औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आई एम कासमरी फ्रॉम लॉरेट ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस मुल्तान। जैसा कि हमने क्लास टेंथ की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हुई हैं, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 13 है। जिस तरह के हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने लर्न किया था वेरिएबल्स और उसके नेमिंग रूल्स, के वेरिएबल क्या होता है हमारे पास, उसके नेमिंग रूल्स क्या हैं, और आज के टॉपिक के हमारे पास क्या आउटलाइन है। कि हमारे पास वेरिएबल एंड इट्स टाइप्स, को हम देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या हैं और उसके टाइप्स क्या हैं। वेरिएबल को तो खैर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वेरिएबल हमारे पास एक ऐसी वैल्यूज, ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, इस कॉल्ड वेरिएबल। और ये भी मैंने बताया था कि वेरिएबल हमारे पास किसी मेमोरी लोकेशन या मेमोरी सेल का नाम है। ये इसी तरह ही है जिस तरह के एक स्टूडेंट या एक टीचर हमारे पास चेयर को ऑक्यूपाई करता, अपने कब्जे में लेता है, सेम वेरिएबल भी इसी तरह हमारे पास मेमोरी में जगह क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, अपने कब्जे में ले लेता है, जो उस नाम से हम वेरीफाइड करते हैं। जिस तरह x इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ अगर आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, गौर से देखें। अब x ने क्या किया, x एज इट इज़ उसे एक मेमोरी सेल का नाम है जो उसने अपने पास ऑक्यूपाई कर लिया। अब उस सेल का नाम क्या होगा, x, जब तक वो प्रोग्राम रन होगा, जब तक वो प्रोग्राम चलता रहेगा। जैसे ही वो प्रोग्राम टर्मिनेट होगा और उसके साथ ही ये वेरिएबल भी एक्सपायर हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ आई बात या नहीं। मजीद हम डीपली इसमें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर सकें, अगर किसी कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्रीवियस लेक्चर लेक्चर नंबर 12 को देख सकता है। उसके बाद आज चलते हैं हमारे पास न्यूमेरिक वेरिएबल्स की टाइप्स, न्यूमेरिक वेरिएबल्स एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स। हमारे पास दो ही टाइप्स हैं हमारे पास वेरिएबल्स की, एक न्यूमेरिक वेरिएबल्स है, एक हमारे पास स्ट्रिंग है। न्यूमेरिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसे वेरिएबल्स जिनमें हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकें, क्या कर सकें हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकें। जिसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सपोज x इज इक्वल टू 10, ये अब हमारे पास क्या एक न्यूमेरिक वेरिएबल। अब इसमें हमने 10 क्या है, न्यूमेरिक वेरिएबल वैल्यूज़ को हमने इसमें न्यूमेरिक कांस्टेंट वैल्यूज़ को हमने इसमें से स्टोर करवाया, समझे। a इज इक्वल टू 15 है, तो अब a हमारे पास क्या एक न्यूमेरिक वेरिएबल है क्योंकि हमने a में 15 वैल्यू स्टोर करवाई है कांस्टेंट, ठीक है। अब टाइप ऑफ वेरिएबल यूज टू स्टोर न्यूमेरिक वेरिएबल इज नोन एज ए न्यूमेरिक वेरिएबल। द न्यूमेरिक वेरिएबल्स कैन बी टाइप ड्यूरिंग राइटिंग अ प्रोग्राम, कैन बी गिवन इनपुट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये हम किसी भी वक्त दे सकते हैं, या तो हम शुरू से पहले से इसे इनिशियलाइज करवा देते हैं। अगर हम इनिशियलाइज नहीं करवाते तो उसमें दोबारा हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन अगर हम नहीं करवाते तो फिर क्या करते हैं, फिर हम सिर्फ उसको क्या करते हैं, ड्यूरिंग जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा था उसके दौरान उसको हम कोई ना कोई वैल्यूज़ असाइन करते हैं। वो हमसे वैल्यूज़ रिक्वायर्ड करेगा, हमसे डिमांड करेगा, हमसे मांगेगा, हम स्क्रीन पर लिखा हुआ एंटर प्लीज योर वैल्यूज। जैसे हम फिर वैल्यूज एंटर करेंगे उसके बाद वो फर्दर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। ये हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है, ये आपके इशारे वाले भी और बगैर इशारे दोनों होकर हो सकती हैं, समझ आई बात। द वैल्यूज इंक्लूड इंटीजर एंड रियल नंबर। इंटीजर नंबर वो होते हैं कि जिनमें हमारे पास इशारिया वैल्यूज़ नहीं होती, जिस इंटेग्रल पार्ट होता है। अगर इसमें हम सपोज 10.5 भी लिखें तो 10.5 अगर हमारे पास इंटीजर है तो हमें 10 डिस्प्ले करेगा, 0.5 को क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, वो इसको देखेगा ही नहीं क्योंकि वो जस्ट इंटेग्रल पार्ट किसी को ही देखेगा, इसके फर्दर इस पर कहीं नहीं जाएगा। द वेरिएबल कैन बी यूज इन अरिथमेटिक कैलकुलेशन। ये किसके लिए, हमारे न्यूमेरिक वेरिएबल्स हमारे पास किसके लिए, अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल है। और उसके बाद है रियल, रियल नंबर हमारे पास जिसमें अशारिया आए, जिसमें 10.0005 आए, तो ये हमारे पास क्योंकि रियल इनमें हमारे पास क्या है, इनको स्टोर करवाने के लिए हम फिर फ्लोटिंग का एक डाटा टाइप है फ्लोट, उसको हम यूज़ करते हैं। इसमें भी हमारे पास इस तरह GW बेसिक में उसको यूज़ किया जाता है, या इसमें हमारे पास रियल नंबर के, रियल के नाम से भी एक डाटा टाइप, उसको भी हम यूज़ करते हैं। न्यूमेरिक उसके बाद है हमारे पास रिजल्ट ऑफ इफ़ द टाइप ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल इज नॉट स्पेसिफाइड GW बेसिक कंसीडर्ड अ सिंगल पोजीशन न्यूमेरिक वेरिएबल। अगर हम उसके स्पेसिफाइड नहीं करते तो इसको सिंगल पोजीशन वैल्यूज कंसीडर करें, सिंगल पोजीशन वेरिएबल न्यूमेरिक वेरिएबल्स कर लेंगे। अ सिंगल पोजीशन वेरिएबल कैन हैंडल द वैल्यू एक्यूरेटली अप टू 6, ये 6 डिजिट तक उसको सही देगा और उसके बाद वाले को चेंजिंग हो सकती है, तो अपनी मर्जी से खुद कर। डबल पोजीशन में हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इससे ज़्यादा, वो इससे डबल हो जाती है, ठीक है, वो इससे क्या हो जाती है, डबल होती है, तब तक वो रिजल्ट सही देगा और अदरवाइज नहीं देगा, समझिए। न्यूमेरिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं कि जो न्यूमेरिक वैल्यूज स्टोर करते हैं, जिसकी एग्जांपल मैंने दी है कि हमारे पास मार्क्स इज इक्वल टू 300 आउट ऑफ 400, तो हमारे पास क्या 300 जो उसमें स्टोर करवाएं हमारे पास, ये क्या है हमारे पास मार्क्स न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, समझिए। प्राइस भी इसमें हो सकती है, डिफरेंट जो भी दुनिया के हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ आएंगी वो न्यूमेरिक वेरिएबल्स में स्टोर करवाई जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वेरिएबल। अब स्ट्रिंग हमारे, सबसे पहले स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग हमारे पास हर वो डिजिट, हर वो नंबर जो सिंगल कोट, पोस्ट ऑफिस कॉमा जिसे कहते हैं, इन दो पोस्ट ऑफिस कॉमों के दरमियान
और दूसरा हमारे पास क्या है डबल कोट्स, ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमास का नाम दे, इनके दरमियान जो कुछ लिखा जाए हम उसे क्या कहते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल, उन्हें क्या कहते हैं हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल, समझ आई बात। वो वैल्यूज़ जो हमारे पास दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी जाएँ या सिंगल पोस्ट ऑफिस कॉमास जो हमारे पे होता है उन दोनों के दरमियान लिखी जाए वो हमारे पास क्या है स्ट्रिंग वेरिएबल है। अ सेट ऑफ करेक्टर इनक्लोज इन डबल कोटेशन इज कॉल्ड स्ट्रिंग, उसने बता दिया, ठीक है, ऐसी वैल्यूज़ ऐसे नंबर उसमें हमारे पास आपकी न्यूमेरिक भी हो सकते हैं। अगर सपोज मैं एक एग्जांपल दूं कि सपोज किसी के घर का एड्रेस 99 स्ट्रीट है, उसके बाद होम नंबर 125 है, तो अब ये क्या इसको इन्वर्टेड कॉमास में अगर हम बंद कर दें तो ये हमारे पास क्या एक स्ट्रिंग वेरिएबल बन जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का बन जाएगा, समझे। और स्ट्रिंग वो होती है जो एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है, क्या होती है एज इट इज, जिस तरह इन्वर्टेड कॉमा में लिखी है इसी तरह हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है। मैं भी इसकी एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ कि एग्जांपल में हमारे पास क्या है। उसके बाद हमारे पे इट कंसिस्ट ऑफ वन आर मैनी करेक्टर, इट इंक्लूड अपर केस लोअर केस लेटर डिजिट स्पेशल सिंबल, इसमें सारा कुछ आता है, समझिए बात, इसमें तमाम डिजिट नंबर लोअर केस लेटर ए बी सी 0 to 9 स्पेशल डॉलर साइन एट द रेट, ये सारे साइन यूज़ किए जाते हैं। और स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर करवाने के लिए जी डब्ल्यू बेस में डॉलर का साइन यूज़ किया जाता है, कौन सा डॉलर का। अब उसने अगर देखें तो उसने नीचे एग्जांपल दी गई है हमारे पास एड्रेस अगर सारा डॉलर का साइन लगा, ये हमारे पास क्या स्ट्रिंग वैल्यूज इसमें स्टोर करें। और जब भी जी डब्ल्यू बेसिक में हमको स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवाएंगे किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में उसके साथ हम डॉलर का साइन यूज़ करेंगे। द एरिथमेटिक कैलकुलेशन कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन द स्ट्रिंग वेरिएबल, हाउएवर द कंपैरिजन का कंकैटिनेशन ऑपरेटर, अब इसमें हमारे पास कंकैटिनेशन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं जिसकी एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। जिस तरह फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में कासिम अली है तो कासिम अली को लिखने के लिए कासिम और साथ अली ये दोनों अलग-अलग नेम हैं, तो इनको हम कंकैटिनेशन प्लस का सिंबल यूज़ करके इन दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में हम मिलाएंगे। अब इसकी हम एग्जांपल करते हैं, इंशाल्लाह देखते हैं एग्जांपल में वो क्या कहता है हमारे पास। अब हमारे पास क्या था स्ट्रिंग वेरिएबल्स की, मैं आपको एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि हमारे पास इनकी स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वेरिएबल्स की कौन कौन सी एग्जांपल है, थोड़ी सी आपको गाइड लेंगे फिर फर्दर इसके कॉन्स्टेंट में हम डीपली इसको डिस्कस करेंगे। ये देखिए एग्जांपल ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल्स हमारे पास क्या है ए इज इक्वल टू 10। अब ये देखेंगे हमारे पास जितने भी ये दिए गए हैं हमारे पास ए इज इक्वल टू 10, मास इज इक्वल टू 300, प्राइस इज इक्वल टू 950, ये हमारे पास क्या है सारी न्यूमेरिक वैल्यूज। ये हमारे पास कौन से ऐसे वेरिएबल जो न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करें उन्हें न्यूमेरिक वेरिएबल का। अब नीचे देखें उसने हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल, अब फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अली, उसने देखें इन्वर्टेड कॉमास में इसको यूज़ किया है, लास्ट नेम इज इक्वल टू अली रजा। अब हमारे पास के दो अलग-अलग से नाम है उसने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से कर दिया, अब हमारे पास क्या है ये हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं जिनमें स्ट्रिंग वैल्यूज़ को हमने स्टोर। अब नीचे देखें मैंने अभी आपको बात की इसमें कुछ भी आप अपने पास अगर करेक्टर भी स्टोर करवा सकते हैं, डिजिट भी। अब नीचे देखें एड्रेस में अगर बुला के स्ट्रीट नंबर 10, होम नंबर 1, अब ये इसमें देखें कि आपके पास अल्फ़ाबेट भी आ रहे हैं, छोटी ABC बड़ी ABC दोनों आ रहे हैं, उसमें हमारे पास डिजिट भी आ रहे हैं, उसके बाद ये करेक्टर डॉट कॉमा ये भी हमारे पास आए हुए हैं, इसमें जो कुछ भी हम लिखेंगे वो सारा कुछ हमारे पास एक्सेप्टेबल हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और उसके लिए डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कॉन्स्टेंट आएगा और कॉन्स्टेंट की टाइप्स हैं जिसको हम डीपली देखेंगे, ठीक है इंशाल्लाह, और उसके कुछ काम करेंगे। ओके अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह।